से साहब आइए। देखिए ये रहे वो दोनों बदमाश, हथकड़ी लगाई है इन्हें। अच्छी तरह जकड़े हुए हैं। इनकी सजा की शुरुआत तो आपके घर से ही हो गई। ये सजा हमने दी भैया, और सजा का असर भी हुआ। देखिए ना, सर झुकाए खड़े हैं। कौन हो तुम? अरे तुम कौन हो? ये लोग और यहाँ आप जानते हैं इन्हें? बहुत अच्छी तरह वकील साहब, ये बहुत बड़े आदमी के लड़के हैं। दीवान बहादुर अटर राय, हवलदार। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको हमारे बाप का नाम लेना है तो अच्छी तरह से लीजिए, अटल राय नहीं, अटल राय। ओ, दीवान बहादुर अटल राय के लड़के हैं। अरे पगले, अगर पकड़वा देता तो दीवान बहादुर को क्या जवाब देता? मैंने उन्हें संदेशा भेजा है कि मैं उनके बेटे को अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। इस लुच्चे को तो घबरा नहीं, मैं इसे सजा दिलवाऊंगा जरूर, कानूनी ना सही, घरेलू ही। मामा, घरेलू प्रोग्राम अगर इतना ही पसंद है तो दामाद घर में ही ढूंढिए ना। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरे घर में ऐसा कौन सा लड़का जिसे मैं दामाद बना सकूं? अरे हम घर में नहीं है क्या? चश्मा लगा के भी नहीं दिखता। मर गया, मर गया, मार दिया, मर गया। हाँ, तुम्हारी दुम क्या है? हम बदला लेकर रहेंगे। किस बात का? तुम दोनों ने हमारी इंसल्ट की है। तो क्या कर लोगे? हम दोनों तुम दोनों से शादी करेंगे। दिमाग खराब तो नहीं तुम्हारा? शैला, ओ शैला, इधर आ। ये दोनों वही लोग है ना? हाँ कांता, वही है। अरे इस अशीत सेन की बहन कांता से कहो कि अपने लिए कोई कांती ढूंढे। शरा, तुम दोनों का शादी के बारे में क्या ख्याल है? ठेंगा है? तो फिर ठेंगे को मुंह में रखकर चूसो और सोचो, कल दोपहर के 12 बजे तक अगर तुम लोगों ने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारी गली के नुक्कड़ पर हमारी प्रेम समाधि बन चुकी होगी। कम ऑन पुटन, एक्सक्यूज मी। वो चौराहे के पास आपकी जमीन है ना? खबर मिली है कि आपके लड़कों ने वहां पर तूफान मचा रखा है। जी वो लोग पैदा ही इसलिए हुए हैं कि इस बार क्या गुल खिलाएं? जान देना चाहते हैं, सुना है अपनी समाधि खुद बनाने लगे हैं। I see. तो ऐसा कीजिए इंस्पेक्टर साहब, दो चार अच्छे कारीगर भेज दीजिए उनके मदद के लिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दीवान बहादुर जी, मैं आपके बेटों को पब्लिक न्यूसेंस के जुर्म में गिरफ्तार कर सकता हूँ। आप जाकर अपने बेटों को रोकिए वरना आप ही की बदनामी होगी। प्रेम समाधि, जवानी, जवानी, दीवानी, दीवानी। समाधि बनने लगी क्या? हाँ, अभी आते हुए मेरे टैक्सी में से देखा, लेकिन मैंने तो सोचा था ये लोग यही धमकी दे रहे हैं। अरे माँ, ये लोग तो सच में जान देने लगे, उनकी हत्या हमें लगेगी, अब क्या होगा? अरे बोल ले, अब क्या होगा? ना सोचने दे रहे। प्रेम समाधि जिंदाबाद, छुट्टन पुट्टन जिंदाबाद, समाधि जिंदाबाद, छुट्टन पुट्टन जिंदाबाद, छुट्टन। वो लोग अभी तक नहीं आए, भीड़ काफी जमा हो गई है भैया, बचने का कोई चांस नहीं। तुम्हें पुट्टन से प्यार है क्या? हाँ, वो मुझे पसंद तो है, लेकिन तुझे पुट्टन से प्यार है क्या? हाँ, मुझे भी है, अगर अगर वो मेरे लिए जान दे दे तो प्यार हो जाए। मुझे भी, देख कितने मिनट बाकी, जल्दी जल्दी। सिर्फ 8 मिनट, सिर्फ 8 मिनट। छुट्टन, सिनेमा घर के टिकट वाली खिड़की बन गई है और उधर हाउसफुल है, अब तो खिड़की बंद करनी ही पड़ेगी। छुट्टन, नारे नारे नारे, उधर देख। छुट्टन छुट्टन पुट्टन, प्रेम समाधि जिंदाबाद, छुट्टन पुट्टन जिंदाबाद, छुट्टन पुट्टन। हम तो इस गुगदे से हसरत की नजर करते हैं। खुश रहो महिलाओं, हम तो सफर करते हैं। सफर मत करो प्लीज, जान मत दो पुट्टन। नहीं देंगे जान, तुम अपना हाथ हमारे हाथ में दे दो। जल्दी से हाथ मिलाओ वरना हम चले। मैं तो बोलता हूँ छुट्टन बंद कर दे यार। बंद कर दे यार, छोड़ यार। मंजूर, मंजूर छुट्टन। हाँ छुट्टन। समाधि कैंसिल, तोड़ दे समाधि, तोड़ दे समाधि, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए, समझ गया, कोई नया कारनामा सुनाएंगे इन दोनों का। आप दीवान बहादुर साहब हैं
तो मैं एडवोकेट वरदराज हूँ। ओ, आप ये एडवोकेट वरदराज, आइए तशरीफ रखिए। जी नहीं, मैं तशरीफ रखने नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ आपसे शिकायत करने। जानते हैं आपके बेटों ने क्या किया है? इतना जानता हूँ कि सुन के मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। क्या क्या इन दोनों ने? 354 और 448 दोनों। यानी ये लोग मटके का पाना खेलने लगे? नहीं नहीं, मटके का पाना नहीं, मैं दफा 354 का जिक्र करता हूँ। दोनों मेरे घर में दाखिल हुए मेरी बेटी को छेड़ने। और अरे बदमाशो, तुम लोग भले घर की बेटियों को छेड़ने लगे। पापा छेड़ने नहीं, देखने गए थे। चुप रहो। दीवान बहादुर साहब, मैंने आपका ख्याल किया, नहीं तो मैंने चक्की पिसवा देता। दोनों पॉइंट थे मेरे पास, 354 448। समझे। मैं इन दोनों की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, आपने बड़ा उपकार किया। दीवान बहादुर साहब, आप इन दोनों को जरूर सजा दीजिए। हाँ हाँ। तभी ये लोग सुधरेंगे। हाँ। गौर कीजिए मेरे पॉइंट पर। नमस्ते। पापा, इस कमबख्तों ना कटवा दे तुम दोनों ने मेरी मेरा चीना दिखवा दे। उन्हें तो उसी दिन निकाल देना चाहिए था जब चौथी बार दोनों ने मैट्रिक फेल किया। नाक तो नहीं कट किया? आपका कुछ बताओ, अभी आप सबने किया क्या? कालक लगा दिया मुंह पे, मुझे मजनू का बाप बना दिया। मगर तुम मत करो, अब कभी इस घर में उन्होंने चिकने खड़े हैं बेशर्म, मेरी बात का कोई असर नहीं। मैंने क्या हुक्म दिया था? दरवाजे में कदम नहीं रखना। फिर क्यों आए? पापा, हम लोग दरवाजे से नहीं खिड़की से आए। अब इस कंपाल में कदम रखा तो जान में जाता है। नहीं नहीं, कहाँ जाएंगे मेरे नासमझ बच्चे? जान में जाते हैं। निकल जाना, वो भी कहीं जान था। कान खोल के सुन लो, आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, न मैं तुम्हारा बाप न तुम मेरे बेटे। पापा, एक रिश्ता तो रखिए कम से कम। या बाप वाला या बेटे वाला? पुट्टन, मामी, मेरे लाल। तुम्हारे पति ने हमारी बहुत बड़ी इंसल्ट की है मम्मी। बिना सोचे समझे कह दिया कि हम उनके बेटे नहीं हैं। सोचो मम्मी, अगर हम भी पलट कर जवाब दे देते कि तुम हमारे बाप नहीं हो तो तुम्हारी क्या पोजीशन होती? तुम्हारा कितना बड़ा अपमान होता? मेरे बच्चे वो सब भूल जाओ। नहीं भुला सकते मम्मी, हम हमारी माँ के अपमान का बदला लेकर ही रहेंगे। पापा से नाक रगड़वा कर कहलवाएंगे कि हम उनके बेटे हैं। क्यों पुट्टन? हाँ झुट्टन। ऐसा ना कहो मेरे बच्चे, ऐसा ना कहो। उनका गुस्सा उतर जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तब तक तुम महाबलेश्वर के बंगले में जाकर रहो बच्चा। क्यों बलवास दे रही हो मम्मी? तुम के नहीं कौशल्या। तुम्हारे राम लखन 180 मील पैदल कैसे जाएंगे मम्मी? 2000 रुपए। 2000? लेकिन तुम्हारे पापा को पता ना चले। क्यों, क्या है? पापा की जेब से मारा है? अरे बकवास मत करो, जल्दी से जाओ। अच्छा मम्मी। बच्चों अपनी सेहत का ख्याल रखना, टाइम से खाना खाना। तुम भी टाइम से मनी ऑर्डर भेजना मम्मी। भेज दूंगी मेरे लाल। महाबलेश्वर पहुंचो, सब कुछ बताएंगे। मम्मी के अपमान का बदला कैसे लें पापा से? अपनी तो खोपड़ी फेल होने लगी। यार छुट्टन, ऊपर वाला हमें अगर चाणक्य का दिमाग दे देता तो उसका क्या जाता? बस एक ही देन मिली है उससे, माँ बाप का प्यार। गलत, सिर्फ मम्मी को प्यार है हमसे, पापा तो सिर्फ खूनी है। खूनी? मर्डर? क्या कहा, पापा खूनी? अरे भाई, यानी सिर्फ खून का रिश्ता है। पापा से खून का रिश्ता? पापा खूनी? खून? छुट्टन! हाँ, मिल गया प्लान। कैसा प्लान? मिल गया। कैसा? खून मेरा, रिश्ता तेरा,
जायदाद के लिए तू मेरा खून करेगा? खून? मैं तेरा खून करूंगा? अबे सचमुच का खून थोड़ी करेगा, झूठ मूठ का खून करेगा, कि दुनिया को झूठ बोलेगा, एक्टिंग करेगा, धूम करेगा, परफॉर्मेंस देगा, उसके बाद तू फांसी के लिए तैयार हो जाएगा। फांसी? अबे सचमुच की फांसी पे थोड़ी चढ़ेगा, सिर्फ तैयारी करेगा यार। बॉम्बे भागने की तैयारी करूंगा, फांसी की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। छुट्टन छुट्टन छुट्टन, तू कभी चाणक्य क्या नहीं बनेगा, बात तो सुनता नहीं, बे 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 करता रहता है। मेरा प्लान तो सुन। अच्छा बोल, जब मेरे कत्ल की खबर। खबर? खबर नहीं बे नामुरादी, खबर और खबर में तेरे को फर्क नहीं लगता? अरे खबर, न्यूज न्यूज। हाँ तो न्यूज बोलना। हाँ वही न्यूज, जब दुनिया में फैलेगी तो पापा सर पर भाग कर आएंगे और मैं आंखें मूंदे सांस रोके पड़ा रहूंगा, मुझे देखते ही पापा पछाड़ खाकर गिर जाएंगे। अबे अगर तुझ पे गिरे ना तो ये सांस सदा के लिए बंद हो जाएगी। अरे भोंदू, लाश पर कोई नहीं गिरता और फिर पछाड़ खाने वाला सोच समझ कर पछाड़ खाता है, समझा? आगे सुन, पापा मुझे देखकर रो रो कर कहेंगे, मेरे मुर्दे बेटे ये क्या हुआ, और तुझसे कहेंगे मेरे लाल, मेरे बेटे ये तूने क्या किया, अपने भाई को मार डाला। यार पुट्टन, प्लान तो उम्दा है लेकिन इसमें एक खोट है। क्या खोट है? लोग यकीन नहीं करेंगे, हम दोनों सदा राम लक्ष्मण की तरह रहे हैं, ये कैसे मानेंगे कि जायदाद के लिए हम दोनों ने झगड़ा किया। छुट्टन एक बात बोलो। बोल। तेरी बात में बात है। वो तो है। अपने को अब एक गवाह चाहिए ना। हाँ, एक गवाह, एक गवाह। छुट्टन, वो लोग आ गए, गवाह आ गए, गवाह आ गए। आधी जायदाद चाहिए तुझे? मारा। अबे जायदाद के लिए अपने देवता जैसे भाई को मारता है? अबे तू देवता नहीं, राक्षस है, राक्षस। राक्षस क्या? ये रावण। तू मेरे को रावण बोलता है? बोल अभी तू। अबे तू बोल, तू बोल, तू बोल, तू बोल। अच्छा तो ले, तू ये ले। झगड़ा? लेकिन किस लिए? जरूरत है इसलिए, पापा ने मुझे ये कह के निकाला था कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। इस बाजी के कारण। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं इसका खून पी जाऊंगा। तू मेरा खून पिएगा? मैं तुझे जमीन में गाड़ दूंगा। पापा मुझे आधी जायदाद देने वाले थे और ये बिच्छू बीच में डंग मारता है। अबे क्यों ना मारूं? खून कौन रहा है मेरा? आधी जायदाद लेने वाला वो कौन? अरे असली बेटा मैं हूँ मैं। अबे असली नकली क्या कर रहा है? तेरे माँ बाप ने मुझे उस वक्त गोद लिया था जब तेरे पैदा होने का कोई चांस नहीं था। जब जायदाद की बात आई तो मेरे को आंख दिखाता है। अबे मैं तेरे को अभी देखता हूँ। अबे मैं भी तेरे को देखता हूँ। अबे मैं तेरा सर कुचल के रखूंगा, गिर गोट हड्डियों का रस बना के पी जाऊंगा पिस्सू। अबे कुलचे न रहेगा पास न बनेगी बकरे। अबे जा बे फूटे ढोल। हाँ बोल। मैडम मैं प्लीज मैं प्लीज फटे जब मैं मेरी कलेगा हूँ अंकल से कह के हम तुम्हें इज्जत दिलाएंगे। हाँ चल अभी चल। तुम लोग अंकल को पटा के आओ, मैं शांत रहता हूँ। देखो पुट्टन, झगड़ा नहीं करना। पुट्टन पुट्टन तुम्हें मेरी बात नहीं पता, तुम्हें भाई नहीं पता, तो तुम बोल जाती हो। अरे जाओ ना। कमीना, निकम्मा, आ पागल, करा बाजी, मैं बोलता हूँ उल्लू, गधा, चला आदमी, बेवकूफ आदमी, ओए बेवकूफ तू, बस 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 खत्म हो गया। हल्की फुल्की खत्म हुई पुट्टन, अब मोटी वाली शुरू करता हूँ। तेरी नहीं 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 तेरी नहीं यार, ये मोटी वाली सिर्फ सड़क पर चलती है, सेंसर में नहीं। मेरा ख्याल है पुट्टन, यार झगड़ा तो बहुत हो गया, अब कत्ल पे आ जाएं यार। एग्जैक्टली, आने चाहिए कत्ल पे। ये ले, समझ ले, ये 10 इंची तेरे हाथ में है, पकड़ ले, भोग दे मेरे, मार मेरे को। मारू? लेकिन उल्टा मारना। उल्टा मार। मारू? मार। मर गया तो चीखता क्यों है? मुर्दा चीखता है क्या? अबे कच्चा मुर्दा पहले मर गया बोलता है, उसके बाद में पक्का बनता है। ले मैं तेरे लिए पक जाता हूँ। लाश को ठिकाने लगाना चाहिए। मेरी डांगे उठा ली, घसीटता हूँ तुझे। छुट्टन, क्या सचमुच मेरी जान लेगा? अरे पुट्टन, तेरी नाक से तो खून बह रहा है।
मेरी नाक कट गई। ऊंची हो गई भैया, तेरी भी और मेरी भी। चल जल्दी से मेरे जगन पे खून लगा दे, चल। ला छुरी ला। देखता हूं दुनिया वाले कैसे यकीन नहीं करते कत्ल का। अब मैं खबर देने शहर में शान से जा सकता हूं। पुट्टन, हाँ यार तू यहां भेस बदल के रहना। क्यों यार? जब तक पापा को तेरी मौत का यकीन नहीं हो जाता तब तक तुझे यहां कोई जिंदा ना देखे, वरना पुट्टन प्लान फेल। नहीं 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 नहीं, पुट्टन प्लान फेल नहीं होगा। मैं ऐसा भेस बदलूंगा कि मम्मी भी पहचान ना सकेगी। जान तुम्हारी नहीं, पुट्टन की निकली है। क्या? बताओ, बताओ क्या हुआ? बोलो ना। इधर उधर चोरों की तरह क्या देख रहे हो छुट्टन? कातिल की तरह देख रहा हूं गोरी। यानी तुमने उसे सचमुच मार डाला? मारा था झूठ मूठ, वो मर गया सचमुच। क्या मतलब? मैं उसे मारना नहीं चाहता था। 10 इंच उसके पंजे में था और मेरा पंजा उसकी कलाई पे और इसकी नोक मेरे सीने पे। वो जोर लगाया था कि इसकी नोक मेरे सीने पे घुसे, मैं जोर लगाया था कि उसका जोर न चले। उधर जोर, इधर जोर, उधर जोर, इधर जोर, जोर जोर में वो फिसला, मैं निकला, वो मचला, मैं पलटा, देखा तो उसी के पेट में उसी का खंजर 6 इंच अंदर। बोलो प्यारी क्या कसूर है मेरा? मैं तो अपनी जान बचा रहा था तुम्हारी सेवा के लिए, ताकि तुम सुहागन बनने से पहले विधवा न बन जाओ। पर उसका खून उसी के हाथ से हुआ ना? हुआ तो उसी के हाथ से था, पर चढ़ेगा मेरी गर्दन पे। अगर तुम मुझे गर्दन से झूलता हुआ नहीं देखना चाहती तो कुछ दिनों के लिए मुझे छुपा लो। तो क्या तुम मेरे पास छुपने के लिए आए हो? तुम्हारे पल्लों में नहीं प्यारी, तुम्हारे घर में। पता कर चुका हूं तुम्हारे डैडी कुछ दिनों के लिए बाहर जा चुके हैं। मगर अगर मगर नहीं प्यारी, प्यार में जिगर चाहिए, हिम्मत से काम लो। लौटने के बाद तुम्हारे डैडी मुझे बचाने का कोई ना कोई पॉइंट जरूर ढूंढ निकालेंगे। पहले इसका पॉइंट मेरी तरफ से दूर करो, डर लगता है। ये क्या खून? पुट्टन का है। इस जरकिन को भी कहीं छुपा दो। चलो